हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल गंगा सागर ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी ने मेरी एक वीडियो देखी होगी, परसों मैंने एक वीडियो डाली थी और जिस वीडियो में मैंने जो है अपने चैनल के बारे में बताया था कि मेरे चैनल अभी डीमोनेटाइज हो गया है और उसका कारण भी मैंने आपको बताया था कि क्यों हुआ है, क्योंकि मेरे चैनल पर रिच कंटेंट आ गया है और जिस कारण मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है, मेरे चैनल से ऐड हट चुका है। तो दोस्तों अभी मुझे फ़िलहाल कुछ वॉच टाइम की ज़रूरत है। मैंने अपने चैनल से अपने सबसे बड़ी वीडियो यानी कि जो मेरी 188,88,000 जो मेरी वीडियो गई थी वो मैंने डिलीट कर दी है और साथ में मैंने काफ़ी ऐसी वीडियो डिलीट कर दी हैं जो मेरी चैनल पे वायरल गई थी और जिस कारण मेरा वॉच टाइम कम हो गया है। अब मुझे दोबारा से वॉच टाइम पूरा करना है, मगर इसी का फ़ायदा उठाते हुए मुझे एक चैनल के द्वारा कमेंट आता है मेरे चैनल पर जिसका नाम है टेक्निकल प्रभाकर। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से सुने आप मेरी बात को। टेक्निकल प्रभाकर एक चैनल है जिनके 32,000 सब्सक्राइबर हैं और अपने चैनल पे पेड मेंबरशिप भी प्रोवाइड कराते हैं और साथ में ही वो जो है रिच कंटेंट वाले चैनल को पेड यानी कि पैसा लेकर मोनेटाइज करवाते हैं। ठीक है, आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये टेक्निकल प्रभाकर ही हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टेक्निकल प्रभाकर के नाम से जो भी बंदा उनका एक चैनल बना के लोगों को फ्रॉड कर रहा है तो आप सभी लोगों को भी उससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये बंदा क्या करता है कि टेक्निकल प्रभाकर के नाम से आपको इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे और आपको जो है सभी प्लेटफार्म पे आपको जो है मैसेज करेगा, कॉल भी करेगा। और मैंने भी इसने मेरे संग भी यही किया था और मुझे अपना जो है इसने बकायदा मेरे चैनल पे कमेंट भी किया इसने 5-6, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मैंने जो है इससे बोला था कि भाई मुझे वीडियो कॉल कर ले एक बार, तो पहले इसने मुझसे 1500 रुपये की डिमांड की थी। मैं आपको मैसेज दिखाना चाहूँगा, आप मैसेज में इसका मेंशन कर रहा हूँ और इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन कर रहा हूँ, आप देखें। और साथ में मैं यूट्यूब पे जो इसका मैसेज आया हुआ वो भी मेंशन कर रहा हूँ, तो आप वो भी देखें। तो जब मेरे द्वारा ये बोले जाने पर कि भाई तू मुझे वीडियो कॉल कर, मैं तुझे देखना चाहता हूँ कि तू ही प्रभाकर है या कोई और है। अब एक्चुअली मैं जब अगले बंदे को मैंने ये बात बोली कि भाई बड़े चैनल से मेरा भी बहुत अच्छा लिंक है, यानी कि मैंने टैग चैम्पियन सपोर्ट का नाम जब लिया कि भाई मैं टैग चैम्पियन सपोर्ट भाई से अंशु भाई से अपना काम करवा सकता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है, तो उस भाई को लगा कि शायद ये बड़े यूट्यूबर को जानता है, तो उसके बाद जो है उसने मुझे उसके बाद कॉल नहीं किया। लेकिन अगर मैं उसके झांसे में आता, लेकिन उसके बाद भी मुझे 2-3 बार मैसेज उसने किए थे, अगर मैं उसके झांसे में आता तो शायद मैं भी अपने पैसे को बर्बाद कर चुका होता, यानी कि 1500 रुपये की डिमांड वो कर रहा था और साथ में मेरा चैनल भी मेरे हाथ से चले जाता, यानी कि देखो चैनल मेरा हैक हो जाता, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आईडी और पासवर्ड मुझे वो मांग रहा है बंदा, तो चैनल हैक ही करेगा, मैं उस बंदे को जानता नहीं हूँ। अगर मैं टेक्निकल प्रभाकर यानी कि जिससे मैं चलो मैं उसको जानता हूँ एक पर गले, क्योंकि उसका 32,000 का सब्सक्राइबर का एक चैनल है बड़ा, तो अगर वो बंदा होता तो मैं उसे बोल भी सकता हूँ, लेकिन उसने अपने मुंह से ये बात खुद बोली है कि मैं मेरे नाम पे लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो मैं आप बताना चाहूँगा कि भाई आप जो है जो आपके नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं आप उनको रोक क्यों नहीं रहे हैं? देखो आपके नाम से तो फ्रॉड कर रहे हैं ना, तो आप भी अगर बात सुनो आपके चैनल पर हम कमेंट कर रहे हैं तो आप हमें हमारा रिप्लाई भी तो दीजिए भाई, आपके तरफ से हमें कोई रिप्लाई नहीं मिलता। अभी आपका 32,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल है, ठीक है नहीं, तो मेरे चैनल पर 5-5, 10-10 लाख, 1-1 मिलियन, 2-2 मिलियन जिनके सब्सक्राइबर हैं वो तक कमेंट करते हैं, वो तक मुझे अच्छा रिस्पांस देते हैं, मगर आपने मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपकी ये कोई चाल हो। तो मैं आपका वीडियो अभी शेयर करवाऊंगा और इस वीडियो को जो है मैं पूरा फेमस करवाऊंगा बहुत जल्दी और आपके चैनल का नाम भी ख़राब होगा, तो आप मुझसे ये बात ना कहें, क्योंकि पहले भी मेरे संग कुछ लोगों ने ये घटना की थी। तो मैंने जब ये वीडियो को मैंने अपना वीडियो उनके प्रति बनाया था तो उनका चैनल भी बर्बाद हुआ था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये गलती ना करें। लोगों को आप पैसे लेकर जो है काम कर रहे हैं ना, पैसे लेकर कोई काम नहीं करता, मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप सेवा देना चाह रहे हैं तो आप फ्री सेवा दीजिए, मैं बताऊँगा टैग चैम्पियन सपोर्ट है हमारे फ्री सेवा देने वाले भाई, ठीक है ना अंशु भाई, मेरे से उनकी वीडियो देखी होगी, उनके चैनल पर भी मेरी वीडियो है और मेरे चैनल पर उनकी वीडियो है। और मैं एक्चुअली मैं ऐसा है, मेरे पास नंबर जो है आज की डेट में बड़े बड़े यूट्यूबरों के नंबर हैं मेरे पास, टैग से रिलेटिव जो वीडियो बनाते हैं उनके नंबर भी हैं और जो ब्लॉग से रिलेटिव वीडियो बनाते हैं उनके नंबर मेरे पास हैं। तो मैं भाई तुमसे एक निवेदन करता हूँ कि अगर तुम्हें काम करना है तो तुम फ्री में काम करो ना भाई, हेल्प करनी है तो तुम फ्री हेल्प करो भाई, तुम लोगों का जो है 1500 रुपये, 1000 रुपये जो पैसा ले रहे हो ये बहुत गलत कर रहे हो। तो भाई उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप शायद, तो मैंने ये वीडियो थोड़ा सा जागरूक करने के लिए बनाई है लोगों को कि जिनको जो है जिनके संग ये घटना हुई है, ठीक है नहीं, मेरे संग नहीं, मैं बहुत से लोगों के संग हुई होगी ये घटना, तो जिनसे पैसे लेकर जो है उनका काम नहीं भी हुआ होगा, लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूँगा भाई कि फ्रॉड ना करें। आप एक चैनल और बनाकर जो है फ्रॉड कर रहे हैं, हो सकता है भाई आप ही हों या आपने किसी अपने भाई को बोला हो कि भाई तूने ऐसा काम करना है और 1500-1500 रुपये लेने हैं, आधे तेरे आधे मेरे, आजकल यूट्यूब पर ये काम भी चल रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन ऐसा है देखो,
हम इतने बेवकूफ़ नहीं है, हम भी पहले जो है भैया वीडियो कॉल करवाते हैं, बाकायदा कॉल करवाते हैं, कॉल पे आदमी की आवाज़ पहचानने की हमें क्षमता है तो हम आवाज़ पहचान लेते हैं आदमी की जो है वीडियो कॉल पे। भाई वो बंदा वीडियो कॉल करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आप बताओ हम कैसे उसको अपना आईडी पासवर्ड दें। मैंने अपना आईडी पासवर्ड, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे को एक बंदे पर भरोसा था, मैंने उसको दिया है, मैं आपको बताऊँगा, टैग चैंपियन सपोर्ट, बाकी मेरे को किसी पर भरोसा नहीं था। अंशु भाई को मैंने दिया था, अंशु भाई ने मेरे चैनल पर देखा भी, चेक भी किया, और जब मेरा चैनल पहले मोनेटाइज नहीं था तो उन्होंने जो है उससे अपील, मतलब कुछ और काम भी उसमें किया था उन्होंने, कोई सेटिंग मेरी ख़राब थी तो वो भी ठीक की थी उन्होंने। तो भाई मुझे और बाकी किसी और पर भरोसा ऐसे यूट्यूबर पर है नहीं। तो आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।